नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 वाला पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट जितने फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबका निचोड़ है इसमें 20 क्वेश्चन में पूरा बजट खत्म ठीक है पूरा बजट इसको देख डालो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं सारे के सारे हैं इसमें और बीसो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताना जरूर कि कितने आपके सही हुए प्लस मैंने कुछ सवाल पूछे उनको तुरंत कॉमेंट करिए जिसका सबसे बढ़िया कमेंट होगा उसको प्रिंट कर दिया जाएगा बजट का एनालिसिस भी आएगी प्री प्लेसमेंट की टेंशन मतलब रोना रोना दोना नहीं है सब नहीं करना है इसको देखो एग्जाम नजदीक है इसलिए तुरंत तुरंत क्विक ये बनाया है बेहद जो जरूरी फैक्ट हो सकते हैं हर बार की तरह भाई उत्तर प्रदेश का जो है रिवेन्यू सरप्लस क्या है आए, कितना परसेंटेज है फिजिकल डिपोजिट क्या है कितना परसेंटेज है लोन कितना है कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है उत्तर प्रदेश नंबर वन किसमें किसमें सारी चीजें इसमें चौके लो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के लिए 20 सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें पूरे बजट के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में ले लिए गए हैं ध्यान से देखें इसके बाद यूपी बजट का भी पप आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर अभी ये वाले देख लीजिए एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सभी लोग इसको जरूर देख के जाए पहली बात तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का कौन सा बजट है ये वित्त मंत्री कौन है पहला तो यही सवाल हुआ सुरेश खन्ना जी ठीक है इस समय जो है उनका ये फिफ्थ बजट है और उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसका एट है हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी में आगे सब अब आप बताइए बजट में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया है जल्दी से कमेंट करके बताइए कोई भी नहीं ठीक है ये जरूर है कि रेफरेंस लिया जरूर था एफएम ने बजट को प्रेजेंट करते टाइम और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में क्या क्या चीजें गिनाई है सरकार ने कि भाई देखो उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट हो गई सारे त्यौहार हो रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव हो गया जी ट्वेंटी सम्मेलन हो गया विश्व कप हो गया और कोई दंगे फसाद नहीं हुए उसको मान रहे हैं राम राज्य आप बताइए कि ये जो बजट है ये किसको किसको समर्पित है जल्दी बताओ कमेंट करके फोकस क्या है बजट का हिंदी इंग्लिश वाला को मत करना बिल्कुल लैंग्वेज में बोलचाल वाली लैंग्वेज में समझा रहे हैं तो भैया गरीब महिला युवा या किसान चारों ही है तो ये ऑल हो गया इसका ऑप्शन तो यूपी का बजट हर बार अभी तक का हाईएस्ट हो जाता है अभी तक का लार्जेस्ट हो जाता है तो ये कोई फैक्ट नहीं है क्योंकि हर बार ये बढ़ाते जाते हैं समझ रहे हैं आप भाई महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से बजट बढ़ रहा है तो ये कोई फैक्ट नहीं है इसको नहीं याद करना है अब आप ये बताइए उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गठन किया जा रहा है कोई नहीं बुंदेलखंड बीडा बनेंगे ठीक है बीडा बनेगा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यही लिखा है पे देखो है ठीक है इसके अंतर्गत क्या कहेगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के, के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में भी औद्योगिक वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है तो जैसे नोएडा वगैरह में है वैसे ही बुंदेलखंड में भी बनाया जाएगा यह है मतलब बजट का आकार कितना है कितने का है बजट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना सेवन पॉइंट कितने का है? जल्दी बताओ कमेंट करके यह जरूर बताइएगा आप लोगों के इन बीस में से कितने सवाल सही होते हैं यह है सेवन पॉइंट थ्री सिक्स लाख करोड़ का बजट है ठीक है पिछली बार सिक्स पॉइंट नाइन लाख करोड़ का बजट था इस बार सेवन पॉइंट थ्री सिक्स लाख करोड़ का बजट है भैया आप देख सकते हैं बजट का कितना है आकार सात लाख छत्तीस हजार चार सौ सैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख रुपया तो सेवन पॉइंट थ्री सिक्स लाख करोड़ रुपया है अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई इसमें नई योजनाएं कितने रुपया की हैं तो कितने रुपया की है चौबीस हजार आठ सौ तिरसठ करोड़ रुपए की वाह भाई वाह इसमें अभी अभी देख सकते हैं भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है फाइव लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है टू लाख करोड़ अच्छा खासा है अब तक का सबसे बड़ा बजट कहां कब पेश किया गया है इसका आंसर मैं अभी बताया आपको सी होगा ठीक है इसी 2024 वाले बजट को बोला जा रहा है कि ये जो पेपरलेस बजट है उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई राम राज्य की आधारशिला जो है किस बजट से रखी गई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो 2024-25 वाले जय श्री राम अब आप समझिए रिवेन्यू सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ढूंढ के आपके लिए कितना है जल्दी बताओ ना, ना इसका आंसर ये देखो ये तीन फिगर लिखे रड डालो चवा लो इनको खा लो रगो में उतारो इनको रिवेनु सरप्लस मतलब हो गया राजस्व अधिक के यानी कि जीएसडीपी के परसेंटेज में कितना है ये चौहत्तर हजार एक सौ सैतालीस करोड़ है ठीक है ये कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है टू पॉइंट नाइन सेवन परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी दोनों फिगर याद रखने हैं ठीक ऐसे ही फिजिकल डेपिसिट कितना है टोटल छियासी करोड़ और परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी में कितना थ्री पॉइंट फोर सिक्स परसेंट ठीक है जो ये उत्तर प्रदेश का ऋण है लोन कितना है जीएसडीपी के परसेंटेज में थर्टी टू पॉइंट सेवन परसेंटेज अगर इसको एक्चुअल फिगर में बात करी जाए तो कितना है एट पॉइंट ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं ये देखो ये है ऋण ठीक है ये अंदर से छाट के लाना पड़ता है दो हजार के बजट अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश का ऋण कितना है आठ लाख सोलह हजार नौ सौ छब्बीस करोड़ रुपया है और यह जीएसडीपी के परसेंटेज में कितना हो गया थर्टी टू पॉइंट सेवन परसेंट दोनों फिगर रटे होने चाहिए ये समझ में आई बात रिवेन्यू सरप्लस फिजिकल डेफिसिट वाला परसेंटेज भी एक्चुअल फिगर भी और ये लोन वाला भी परसेंटेज भी एक्चुअल फिगर भी कहीं नहीं मिल सकता है आपको ये अब आप बताइए बजट के हिसाब से इन तीनों में से सही सही कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट है कि हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है ठीक है 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 और अगर आप देखें तो कितनी वृद्धि हुई है? ग्रोथ हुआ है। जो एयर ट्रेवल करते हैं लोग उनका ध्यान रखना ये चीज ये फिगर आ सकता है डायरेक्टली तो ये वाला स्टेटमेंट सही है फिर अयोध्या का जो एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है उसका क्या नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके साथ उत्तर प्रदेश पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला स्टेट बनने वाला है बहुत जल्द अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यह वाला स्टेटमेंट भी सही है गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए दो हजार सत्तावन करोड़ छिहत्तर लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान में दुगने से भी ज्यादा है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा नन क्योंकि इसमें से नहीं इसका आंसर हो जाएगा सी क्योंकि तीनों लोग सही हैं ठीक है तीनों मतलब पॉइंट सही हैं तो ऑल ऑर राइट हो गया आप ये बताइए कि भाई भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ जल्दी बताओ कमेंट करके भाई ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश ही है यहां पे ठीक है तो उत्तर प्रदेश के कितने हैं 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है यह मैंने अभी आपको बताई दिया है अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए कितना बजट की व्यवस्था है डेढ़ करोड़ तो इसका हो जाएगा डी ठीक है पॉइंट और देख लीजिए कि भाई राज्य सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया ग्यारह सौ करोड़ ग्यारह सौ करोड़ में पट्टी खाई जाएगी उत्तर प्रदेश में हवाई हवाई अरे मतलब पट्टी बनाई जाएंगी थोड़ा बहुत ट्रिक के लिए बता दिया मैंने पट्टी खानी है तो ग्यारह सो करोड़ की खाओ भाई ये दो चार की पट्टी क्या खाओ आप बताइए उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से कौन कौन सा सही है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए ग्यारह सौ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश के बजट में वित्तीय वर्ष 2025 में 5.1 परसेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया है तो यह क्वेश्चन अलग से भी पूछा सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट का कितना लक्ष्य टारगेट कितना रखा गया है 5.1 परसेंट और किस ईयर में 2025 दोनों चीजें याद रखना है भैया ठीक है इसके अलावा वित्त मंत्री का कहना है कि डार्क जोन में जो नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन पर जो रोक लगी थी उसे हटा दी गई जिससे एक लाख किसानों को फायदा हुआ ये भी सही है और 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग सैंतीस लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए चारों स्टेटमेंट सही है ऑल आर करेक्ट होगा इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए डीबीटी मतलब वही यार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यार इतना भी नहीं समझ रहे हो बिना पैदा हुआ बच्चा भी जानता है ये तो कितना दिया गया तिरसठ करोड़ रुपया डी है आंसर ठीक है ये आप देख सकते हैं तिरसठ हजार करोड़ रुपया दिया गया है ये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत और कितने किसानों को मिला है टू पॉइंट करोड़ ध्यान रखोगे कि नहीं कितना पैसा तिरसठ हजार करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि ध्यान रख इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो होती है उसकी मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को दो हजार तक कितना बढ़ा के जो है बढ़ाकर कितना मेगावट करना है तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका इकतीस हजार पांच सौ सीस का आंसर सही हुआ ठीक है तो अब जो यूपी की ट्रांसमिशन कैपेसिटी है पावर वाली यूपी में पावर सिस्टे, ट्रांसमिशन सिस्टम की कैपेसिटी 2016-17 में कितनी थी 16,348 मेगावाट थी 2022-23 में बढ़कर कितनी हो गई दो हजार ये अट्ठाईस हजार नौ सौ मेगावाट और 2023-24 तक कितना बढ़ा दी जाएगी इकतीस हजार पांच सौ मेगावॉट कोई कन्फ्यूजन नहीं, नहीं ना ये बहुत लाएं, ये लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है कि दो हजार तक यूपी की जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कितनी कर देंगे इकतीस हजार पांच सौ मेगावाट ईज ऑफ डूंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है ये तो काफी दिनों से चल रही है पुरानी रिपोर्ट है लेकिन फिर से बजट में आई तो सेकंड आई है ठीक है चौदवे में, में बहुत पहले था और सेकंड भी काफी पहले आ चुकी है बजट के हिसाब से सही सही स्टेटमेंट बताइए कि भाई 2025 में राज्य में 1.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा क्या ये बजट के हिसाब से सही है दूसरी बात की राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को पांच सौ के अब एक हजार रुपये महीना कर दिया गया और इससे तीस लाख महिलाएं क्या बेनिफिट होंगी तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये वंटित किए हैं और कृषि का विकास दर फाइव पॉइंट निर्धारित किया तीनों स्टेटमेंट सही है अभी मैंने बताया आपको तो इसका आंसर हो जाएगा डी तो फिफ्टीन का हो गया कितना डी हो गया अब आप ये बताइए सिक्सटीन का कौन सा सही है इनमें से जल्दी कमेंट करके बताइए चारों स्टेटमेंट सही है लिंक एक्सप्रेस के लिए पांच करोड़ रुपए आवंटित है आगरा मेट्रो के लिए तीन अटल औद्योगिक और, और संरचना मिशन के लिए चार करोड़ सौर ऊर्जा के लिए बाईस हजार मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित है इसके अलावा यह भी थोड़ा देख लें यह भी इंपॉर्टेंट है पीएम आवास के लिए कितना तीन हजार नौ सौ अड़तालीस करोड़ रुपए पीएम ग्राम सड़क के लिए तीन हजार छह सौ अड़सठ करोड़ रुपए वाराणसी में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा ध्यान रखना चार सौ करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए सात हजार तीन सौ पचास करोड़ रुपया वंटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया अच्छा ये बताओ कि ये जो बजट आया है इसमें उत्तर प्रदेश ने कितने लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए दावा किया है तो वो है छह करोड़ फाइव पॉइंट नाइन एट करोड़ समथिंग है ये ठीक है और इवन ये भी बताया कि भाई आजकल जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर है टू पॉइंट फोर परसेंट रह गई है बेरोजगार भी लाइक डैश, डैश 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 इसको आप फिल करिए कमेंट देके ठीक है प्रदेश सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर नीति की भी मंजूरी दे दी गई है और ऐसा नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है यह बताइए कि जो पहले तीन राज्य हैं सेमीकंडक्टर वाली पॉलिसी लाने वाले वो कौन से हैं कमेंट करो यार जल्दी अब ये बताइए उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी यानी कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना है यह है कितना थर्टी टू पॉइंट वन थर्टी टू पॉइंट वन परसेंट सी आंसर है इसका ध्यान रखना यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह आने की बहुत ज्यादा संभावना है कब है उत्तर प्रदेश में 2022-23 में 32.1 पॉइंट फीसदी महिलाओं को काम मिला ठीक है तो अगर पूछेंगे भाई 2022-23 में जो ये महिला श्रम शक्ति भागीदारी है यानी कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है ये कितना हो गया 32.1 परसेंट हो गया है ये आप देख सकते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा सॉरी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है 2018 में 14.2 परसेंट था 2023 में कितना हो गया 32.1 टू पॉइंट परसेंट यह आप देख सकते हैं बजट के कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम सोशल आउटकम बताया है जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना हो गया 32.1 परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज अब कितने हो गए हैं तिहत्तर ठीक है कितने हाउस बना दिए गए पीएम आवास योजना के तहत सैंतालीस लाख टैप वाटर सप्लाई कितने परसेंट पहुंच गई सेवेंटी राइज इन टूरिस्ट फुटबॉल मतलब कितने टूरिस्ट आए बत्तीस करोड़ 2023 में कुछ फिजिकल आउटकम भी दिए हुए हैं भाई, एक्सप्रेस वे अब कितने हो गए तेरह सौ चौदह किलोमीटर एयरपोर्ट टोटल मिला के कितने हो गए हैं उन्नीस हो गए हैं अब ये मेट्रो रेलवे की भी वो लेंथ कितने लगे हैं तो दो हजार तेईस में कितने हो गए हैं पांच सिटी में हो गया है उत्तर प्रदेश में एक सौ आठ दशमलव चार किलोमीटर की हो गई लेंथ इंस्टाल्ट पावर कैपेसिटी जो है 2023 तक कितनी करनी है ये अभी कितनी है उनतीस हजार नौ सौ बारह इसी को तो मैंने बताया था इस, इसी को बढ़ा के 2023 24 तक का कितना करने का लक्ष्य है इकतीस हजार पांच सौ मेगावाट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल रूरल हेल, हेल्थ मिशन को कितना है सात हजार तीन सौ पचास करोड़ अगर ये कोई मिशन वाले में आए तो यही सबसे बड़ा होगा ध्यान रखना ये चीज ठीक है कुछ और अगर स्कीम दी हुई इसके साथ और ये भी दिया हो तो इसी को मानना सात करोड़ है भैया ठीक है एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में उसके लिए 1150 करोड़ रुपया दिया गया लिंक जो इंडस्ट्रियल नोड को लिंक करने के लिए जो बनाए गए उनको 500 करोड़ रुपया दिया गया अच्छा एमएसएमई उद्यम के तहत कितने रजिस्टर हो चुके हैं बाईस लाख ठीक है उत्तर प्रदेश का है सारा रैंकिंग ये उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट प्रपेडनेस इंडेक्स दो में क्या रैंकिंग थी सातवीं उत्तर प्रदेश की लीड्स इंडेक्स में क्या रैंकिंग थी छठी दो में उत्तर प्रदेश की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 2022 में क्या रैंकिंग थी सातवीं और देखो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग मुद्रा में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर वन है वो बताओ जनधन में भारत में नंबर वन है उत्तर प्रदेश बताओ स्वनिधि में नंबर वन है भारत में उत्तर प्रदेश बताओ सुरक्षा बीमा योजना में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन है पीएम अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन है पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना में सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश की ध्यान रखना डीबीटी परफॉर्मेंस में Uh, उत्तर प्रदेश को सेकंड रैंक दी गई है ठीक है ध्यान रखना ये चीज ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया है उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छा इस बार बजट बनाया काफी क्रिएटिव लग रहा है uh, बाकी कल कल परसों मैं, में स्टार्ट करता हूँ कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी देने की अब देखिए जैसे सबसे ज्यादा पैसा आता कहा से स्टेट के जो ओन टैक्स रिवेन्यू है वो ये है नंबर वन ठीक है नंबर टू पे कौन सा ये वाला फिफ्टीन पॉइंट थ्री परसेंट ये क्या है ये पब्लिक डेट जो रिसिप्ट मिलता है मतलब जो उधारी वाला है और पैसा कहाँ से थर्ड नंबर पे आ रहा है ये सेंट्रल का जो ग्रांट ग्रांटीड होता है वो वही हिंदी में लिखा है यहाँ पे ठीक है पैसा खर्चा कहाँ पे किया जाता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब ठीक है और सेकंड जो है उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में ट्वेल्व सरकारी लोगों की मौज है काम बिल्कुल कम और पैसा सबसे ज्यादा जियो चलो खैर उत्तर प्रदेश की जीएसडी इस समय कितनी है दो हजार में चौबीस लाख करोड़ है ये ये देखो ध्यान से तो यानी कि अब हमारी जीएसडीपी कितनी हो गई 25 लाख करोड़ के आसपास तो उत्तर प्रदेश की है रिवेन्यू वाला अभी मैंने बताया अभी आप ये टोटल जो रिवेन्यू रिसिप्ट है इतनी हो गई है बजट एस्टिमेट के हिसाब से और जो टोटल टैक्स वाला है कितना कॉम्पोनेट हो गया है उत्तर प्रदेश का खुद का टू लाख करोड़ आप बताइए उत्तर प्रदेश बजट ने सबसे ज्यादा आवंटन किस विभाग को किया है जल्दी बताओ वन टू थ्री फोर कौन सा है ये इसका आंसर डी प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन किया गया ध्यान से देखो इसको फिर ऊर्जा है फिर पुलिस डिपार्टमेंट है फिर ये पब्लिक वर्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यू डी पीडब्ल्यू डी बहुत करप्शन है तो इस तरह से है पूरा आवंटन देख लीजिए आप ठीक है फिर उत्तर प्रदेश बजट ने सबसे ज्यादा आवंटन किस योजना को किया चलो बताओ आप जरा ये क्वेश्चन आपका सरतिया गलत होगा इसका आंसर पता है क्या है इसका आंसर है ए सर्व शिक्षा अभियान ये देखो सबसे ज्यादा पैसा किस अभियान को दिया गया है सर्व शिक्षा को ठीक है तो ये आप देख सकते हैं नहीं नहीं यहां पे मोह मोह हो गया मेरा ही मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा चलो ये को वीडियो में पकड़ लिया ये जल जीवन मिशन है इसका ध्यान रखना ये चीज क्योंकि तो जल जीवन मिशन आपको याद होगा जीएस पांच या छह वाले एग्जैक्टली सिलेबस तक में लिया हुआ है तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है ट्वेंटी का आंसर है सी देखो मेरा ही गलत हो गया मोहे मो तो पहले नंबर पे है जल जीवन मिशन ध्यान रखना ये चीज दूसरे नंबर पे है सर्वशिक्षा अभियान ठीक है इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए ठीक एक और चीज की बता रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट हो गया इंडिया में ग्रीन टैगिंग बजटरीट लेकिन अगर आप नेट पर डाल के देखें तो ग्रीन बजट सबसे पहले बिहार ने प्रस्तुत किया था अभी एमपी भी अपना क्लेम कर रहा है तो ये चीज है उत्तर प्रदेश के लिए क्या है इन्वायरमेंटली अलाइंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई इन्वायरमेंट टल ओरिएंटेड पॉलिसी बना दो ठीक है और ये चार पॉइंट है मतलब देख लो इसको अभी बाकी बजट में पूरा डिटेल में बताएंगे ये कुछ नई स्कीम्स आई हैं ये नई पॉलिसी आई है, सब मेन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये देखो बेनिफिट वगैरह भी लिखे हैं अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ही सारी चीजें यूपी पीसीएस की दिए दे रही है ये कुछ और देख सकते हैं कि भाई पल्स की और ऑयल सीड की किट पैंतीस लाख से ज्यादा फार्मर को दी गई है ठीक है दो प्लस लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री आवास योजना से घर बनाए गए हैं वो यूपी का स्किल डेवलपमेंट मिशन में साढ़े छह लाख से ज्यादा लोग ट्रेंड किए गए हैं सीएम की फ्लैगशिप स्कीम है कन्या सुमंगला योजना सेवनटीन पॉइंट एट लाख जो लड़कियां यहाँ पे बेनिफिट हुई हैं और 45 डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए गए हैं 66 मेडिकल कॉलेज से एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के तहत सोलर रूपटॉफ कैपेसिटी चार गुना बढ़ा दी गई है छत्तीस करोड़ प्लांटेशन किए गए हैं ग्रीन कवरेज को बढ़ाने के लिए और वन लाख जो है रोजगार अप्रूव किए गए मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना स्वरोजगार योजना चलो बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे जो है खत्म हो गए अब इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता यही सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ था बाकी प्री प्लस मेंस की डिटेल एनालिसिस में लाऊंगा टेंशन मत लीजिए कई सारे यूट्यूबर हमारे भी बैठे होंगे कई सारे जो है एडुकेशन चैनल कोचिंग वाले भी यहीं बैठे होंगे कि भाई कुछ मिले यहाँ से तो ये लोग आपके लिए मिल गया अब अपना अपने शब्दों में बढ़िया टाइपिंग करके प्रेजेंटेशन करके मार्केट में अपनी अपनी मैगजीन में छाप के भेजो वैसे भी चुराओगे तो यही यहाँ से ठीक है चलो स्टूडेंट के लिए ये बजट हो गया सब समझ में आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रख लिया अब जल्दी से कोई कमेंट करके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ही कमेंट में कर दे ताकि उसको प्रिंट कर दिया जाए थोड़ा बहुत आप भी खेलो कूदो जाओ